नमस्कार, चराहट के हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए जान लेते हैं 26 अगस्त का पंचांग। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सही मुहूर्त, सही समय और सही नक्षत्र का होना जरूरी होता है। आज हम आपको आज के दिन का सही समय, जो कि सही कार्य करने का होता है, और आज कब कौन सी दशा कौन से समय में चल रही है, इसका पूरा विवरण हिंदू कैलेंडर और हिंदू पंचांग के अनुसार बता रहे हैं। आज आपका दिन मंगलमय रहे, यही हमारी शुभकामना है। यदि आप आज के दिन कोई नया व्यापार आरंभ करने की सोच रहे हैं, गृह प्रवेश करने की सोच रहे हैं, गृह निर्माण कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या कोई भी अन्य कार्य करने के लिए सोच रहे हैं, तो सबसे पहले सही समय को देख लेना चाहिए। सही समय में किया गया कार्य जरूर सफल होता है। आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। भाद्रव का महीना चल रहा है और तिथि दशमी है, जो 7:04 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी लगेगी। पक्ष कृष्ण पक्ष है। वार सोमवार का दिन है। नक्षत्र आर्द्र नक्षत्र है। आज सूर्योदय सुबह 5:55 पर होगा, वहीं सूर्यास्त शाम 7:00 हो जाएगा। आज का जान लेते हैं अशुभ समय। इस समय में कोई भी शुभ कार्य को नहीं करना चाहिए। आज का राहु काल का समय सुबह 7:32 से लेकर सुबह 9:09 तक है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें। यदि आप शुभ कार्य करना चाहते हैं तो हमेशा अभिजीत मुहूर्त और शुभ मुहूर्त में करें। आज का शुभ मुहूर्त सुबह 9:11 से लेकर सुबह 10:47 तक रहेगा। इस दौरान आप अपने सभी शुभ कार्य कर सकते हैं। तो आज हमने जाना 26 अगस्त का पंचांग। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप रोजाना इसी प्रकार से वीडियोज़ को देख सकें। धन्यवाद।